गुड इवनिंग सभी को, जुड़ जाइए सभी लोग, हम लोग क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़िए। प्रतिदिन 6 बजे से शाम में हम लोग लाइव आएंगे, सभी लोगों को इसी समय पर जुड़ना है। तो अभी तक जो लोग नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़िए, फिर हम लोग क्लास से स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग सभी को। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक कर चुके थे ना, 20 क्वेश्चन कर चुके थे, आज इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे हम लोग, तो रेडी रहिए क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, टॉलरेंस क्या है, लिमिट फिट टॉलरेंस से पूछा गया ये क्वेश्चन है, इसके बारे में बताना। इसरो 2015 का क्वेश्चन है, अलग अलग ऑप्शन दिया है इसमें। ए ऑप्शन दिया है अधिकतम छिद्र तथा न्यूनतम शाफ्ट के बीच का अंतर, आकार की अधिकतम तथा न्यूनतम सीमाओं के बीच की अंतर, न्यूनतम छिद्र तथा अधिकतम शाफ्ट के बीच का अंतर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन मैसेज कीजिए, आप लोगों का आंसर यहाँ पर देख पा रहे हैं हम। ठीक, मैसेज कीजिए जल्दी जल्दी फटाफट। 30 सेकंड से 1 मिनट तक का ही समय रहेगा, जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके अनुसार टाइम देंगे। इसका आंसर क्या होगा मैसेज कीजिए। बी बी भी काफी लोग मैसेज कर रहे हैं इसमें। ठीक, और लोग भी जो लोग जुड़े हैं मैसेज कीजिए, फिर हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे टॉलरेंस। ठीक, देखिए जो लोग भी अभी तक आंसर बी किए हैं उनका राइट आंसर है यहाँ पे, ये आकार की अधिकतम तथा न्यूनतम सीमाओं के बीच का अंतर, ये जो टॉलरेंस होता है ये क्या होता है। टॉलरेंस होता है हायर लिमिट साइज, HLS, हायर लिमिट साइज माइनस क्या होता है लोअर लिमिट साइज। लिमिट फिट टॉलरेंस का है ये पार्ट, हायर लिमिट साइज माइनस लोअर लिमिट साइज, मतलब अधिकतम साइज लिमिट का अंतर किसके साथ, न्यूनतम साइज लिमिट के साथ। तो इसके अनुसार यही तो बोल रहा है, आकार की अधिकतम तथा न्यूनतम सीमाओं के बीच का अंतर, अंतर मतलब क्या है, डिफरेंस माइनस, राइट आंसर ये होगा। अभी यहाँ पर अदर ऑप्शन पढ़े तो ये क्यों नहीं होगा, देखिए यहाँ पर अधिकतम छिद्र तथा न्यूनतम शाफ्ट के बीच का अंतर, यहाँ पर होल और शाफ्ट दोनों को कंपेयर किया गया है, तो जब होल और शाफ्ट को कंपेयर करके अगर घटाव निकालते हैं हम लोग तो टॉलरेंस नहीं कहलाता है, वो अलाउंस कहलाता है। जब होल और शाफ्ट दोनों को कंपेयर करके और अंतर निकालते हैं तो वो टॉलरेंस नहीं कहलाता है, अलाउंस कहलाता है। और अलाउंस जो होता है वो जानबूझ करके इच्छित फिट प्राप्त करने के लिए हम लोग देते हैं। जैसे निगेटिव अलाउंस देंगे तो कौन सा फिट प्राप्त होगा, इंटरफेरेंस फिट प्राप्त होगा। पॉजिटिव अलाउंस देंगे तो क्या मिलेगा, क्लियरेंस फिट प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना है, जो भी अगर होल और शाफ्ट दोनों को कंपेयर किया जाता है तो पहले ही गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी यही काम कर रहा है, देखिए छिद्र और अधिकतम शाफ्ट दोनों को कंपेयर करेगा तो ये यहीं पर गलत, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। राइट आंसर क्या होगा, ये ऐसे फॉर्मूला ध्यान रखिएगा टॉलरेंस का, हायर लिमिट साइज माइनस लोअर लिमिट साइज, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है टॉलरेंस निकालने के लिए। जैसे एक एग्जाम्पल बताते हैं, अगर आपको बोल दिया जाए ये 25 ± 0.02 mm है, एक शाफ्ट है इसका टॉलरेंस निकालना है, तो टॉलरेंस हम लोग शाफ्ट का अलग निकालेंगे, अगर होल दिया है तो होल का निकालेंगे नहीं, एक एक पार्ट का टॉलरेंस निकालते हैं, जबकि अलाउंस निकालेंगे तो दोनों का काम पड़ेगा, शाफ्ट का भी और होल का भी। अलाउंस दो मेटिंग पार्ट के बीच में होता है, जबकि टॉलरेंस एक एक पार्ट पर निकाल सकते हैं, अगर ये शाफ्ट है तो शाफ्ट पर निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पर ये 25 हायर लिमिट साइज क्या है, प्लस वाला जोड़ेंगे, पॉजिटिव में जो लिमिट दिया है, हायर लिमिट साइज क्या हो जाएगा 25.002 mm, लोअर लिमिट साइज कितना हो जाएगा 24.98 mm हो जाएगा। जब टॉलरेंस यहाँ से निकालेंगे तो टॉलरेंस क्या हो जाएगा, फॉर्मूला के अनुसार बताए थे हायर लिमिट साइज माइनस लोअर लिमिट साइज, तो यहाँ से अगर टॉलरेंस निकालें तो हायर लिमिट साइज कितना दिया है 25.002 माइनस लोअर लिमिट साइज कितना दिया है 24.98, तो इधर का दो और ये दो है। ठीक, टोटल अगर इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.04 mm। ठीक, तो ये टॉलरेंस आएगा, ये तो फार्मूले के साथ निकाल सकते हैं। टॉलरेंस को अगर शॉर्ट में निकाला जाए तो लिमिट से भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो टॉलरेंस का फार्मूला यही ध्यान रखना है,
हायर लिमिट साइज माइनस लोअर लिमिट साइज, लिमिट के साथ यहाँ पर वैल्यू लिखना है। जैसे प्लस में 0.02 है ना, तो साइन के साथ लिखना है 0.002। फॉर्मूले का माइनस, टॉलरेंस का क्या होता है, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और फिर माइनस में क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट यही है 0.02, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दोनों को जोड़ेंगे तो 0. क्या आ जाएगा, 0.4 mm टॉलरेंस आ जाएगा। ऐसे शॉर्ट निकालते हैं ये फॉर्मूला, अगर ये शॉर्ट तरीका है तो ध्यान रखना है, साइन के साथ रखना पड़ेगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ पर इस साइज में जब प्लस वाला वैल्यू यानी हायर लिमिट जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हायर लिमिट साइज मिलेगा, लोअर लिमिट को घटाएंगे जो साइन रहेगा उसके अनुसार, तो लोअर लिमिट साइज मिलेगा। तो यहाँ ये जो बेसिक साइज होता है इसी में तो हम लोग जोड़ करके घटा करके ले रहे हैं, इसीलिए डायरेक्ट लिमिट से भी ले सकते हैं हम लोग, हायर लिमिट और लोअर लिमिट को फॉर्मूले के अनुसार साइन रख करके घटा दें, हायर लिमिट माइनस फॉर्मूला का माइनस है जो टॉलरेंस में आ रहा था, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट कितना है 0.02, तो ऐड हो जाएगा 0.04। ऐसे शॉर्ट तरीके से बनाना है एग्जाम में, ठीक समझ में आ रहा है ना। अगर इसमें और डिटेल्स चर्चा करें तो ये क्या कहलाता है, ये बेसिक साइज कहलाएगा, प्लस में 0.02 हायर लिमिट और माइनस में 0.02 क्या कहलाएगा, लोअर लिमिट। और जब बेसिक साइज में जोड़ करके निकालेंगे तो हायर लिमिट साइज, और घटा करके निकालेंगे तो क्या होगा, लोअर लिमिट साइज होगा, ठीक। चलें आगे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीट मेटल की मोटाई को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है, शीट मेटल के थिकनेस को किसके द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन में दिया है स्क्रू पिच गेज, रेडियस गेज, वायर गेज, फिलर गेज। फटाफट यहाँ पर ऑप्शन देखना चाहिए, मैसेज कीजिए कौन सा गेज यूज होगा सीट की थिकनेस के लिए, नहीं तो तार का जो डायमीटर होता है व्यास उसको भी चेक करना होता है, तो हम लोग प्रयोग करते हैं, इसमें से कौन सा यूज होगा, आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22, काफी लोग ऑप्शन यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, बी सी और लोग भी हैं, सभी लोग कमेंट कीजिए, ठीक है, सोच करके आंसर देना अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ करके। देखिए ये सीट की मोटाई थिकनेस को चेक करना है या मापना है, तो उसके लिए जो गेज यूज होता है वो कौन होता है, वायर गेज होता है, वायर गेज। जो लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं, रेडियस गेज किस आधार पर दे रहे हैं, ठीक, इलेक्ट्रिशियन के सिलेबस के बारे में बताइए, इलेक्ट्रिशियन का सिलेबस सर बताएंगे इलेक्ट्रिशियन वाले, ठीक। बाकी जो UPRBNL का कॉमन सिलेबस नॉन टेक का बताए थे वो सभी में कॉमन रहेगा, तो उसके आधार पर सिलेबस देखिए। बाकी ट्रेड थ्योरी का सिलेबस सर बताएंगे कुछ दिन में, ठीक, तो इंतजार कीजिए उसके लिए, सी राइट आंसर। अब ये वायर गेज क्यों होगा, या और भी इसमें ऑप्शन दिया है, इसके बारे में भी अगर देखें कि इन सब का कहाँ पर यूज होता है, तो एक एक करके हम लोग फिगर के माध्यम से देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो वायर गेज होता है, ये वायर गेज है, ये गोलाकार बना होता है, इसके परिधि पर क्या होता है, ये गोलाकार ये स्लॉट कटे होते हैं, और इसी स्लॉट के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, सीट या तार की जो मोटाई होती है उसको हम लोग चेक करते हैं, सीट की मोटाई और तार का डायमीटर। जैसे यहाँ पर देखिए तार है, तार का डायमीटर चेक करना है, ये जो स्लॉट है ना इसी में लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, पहले यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, और फिर कैसे चेक करते हैं ये सारा विधि बताएंगे, ठीक। अभी यहाँ देखा जाए ये वायर गेज है, ज्यादातर इसी का प्रयोग करते हैं, तो इसको स्टैंडर्ड वायर गेज वर्कशॉप में जो प्रयोग किया जाता है SWG स्टैंडर्ड वायर गेज बोला जाता है। अगर यहाँ पर देखें तो ये परिधि पर क्या कटा है, स्लॉट कटा है, और स्लॉट का नंबर भी है, जैसे 0 ये 1 2 फिर 3 हो गया, 3 के लिए स्लॉट है, 4 के लिए है, 5 के लिए है, 6 के लिए है, 7 के लिए है, इसी तरीके से ऐसे घूम करके आए तो कितना है 36। ये जो नंबर होता है इसको हम लोग गेज नंबर बोलते हैं, गेज नंबर बोलते हैं, और इस गेज नंबर से इसके स्लॉट का साइज डिफाइंड होता है। इसको ऐसे उल्टा करके देखेंगे तो इसका साइज mm वाला होगा तो mm में लिखा रहेगा, अगर इंच का होगा तो इंच में लिखा रहेगा। अभी यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे जैसे ये 0 से इधर 36 तक बढ़ रहे हैं, तो ये स्लॉट का साइज क्या हो रहा है, घटते जा रहा है ना। ये स्लॉट देखिए यहाँ पर क्या है, ये बड़ा है 0 का, ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे जैसे ये नंबर बढ़ रहा है स्लॉट का साइज क्या होता है, घटता है। स्लॉट के साइज कम होने से क्या फर्क पड़ता है,
फर्क पड़ेगा ना, मोटाई पे फर्क पड़ेगा। इसमें अगर सीट को डालेंगे या तार को डाल करके चेक करेंगे तो तार का डायमीटर पर फर्क पड़ेगा और मोटाई पे सीट के मोटाई पर फर्क पड़ेगा। तो क्वेश्चन यहाँ से यह भी पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड वायर गेज में जैसे जैसे गेज नंबर बढ़ता है सीट की मोटाई या तार का डायमीटर क्या होता है। ऑप्शन दिया रहेगा घटता है, बढ़ता है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, घटता है ना। जो नहीं देखा होगा उसको साफ सुन जाएगा क्वेश्चन करने में, वायर गेज में गेज नंबर बढ़ने से क्या होता है, याद करने वाली चीज है ही नहीं, यहाँ दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पर इसको स्टैंडर्ड वायर गेज बोलते हैं। अब चेक करने का क्या तरीका है, जैसे मान के चलिए ये पॉइंट है, इसका डायमीटर चेक करना है या तार है, हम लोग इस तरीके से इंसर्ट करते जाते हैं इसमें एक एक करके, जहां पर जिस स्लॉट में ये फिट आएगा, जैसे मान के चलिए इधर फिट करते गए करते गए करते गए करते गए, यहाँ पर 20 में फिट आया, यहाँ पे स्लाइड फिटिंग आया इधर से, तो गेज नंबर कितना हो जाएगा 20, और गेज नंबर 20 के अनुसार इसका साइज उल्टा करके देखेंगे तो लिखा रहेगा वहां पर कितना mm है। अगर mm वाला है तो इंच वाला होगा तो इंच में लिखा रहेगा। अभी ये जो होल होता है ना, ये होल किस लिए रहता है, तो इधर हम लोग जब इसको हम लोग इसमें टच करके इधर जब तार को इस स्लॉट में हम लोग स्लाइड फिटिंग करते हैं तो बाहर जब निकालना होता है तो ये होल की तरफ नीचे पुश कर देते हैं, पुश करके हम लोग क्या करते हैं बाहर निकालते हैं, तो ये सब क्लियरेंस होल होता है। इधर अगर आएंगे पुश करेंगे तो ये ज्यादा गैप मिलेगा, तो ढीला होने की वजह से तार क्या होता है बाहर निकल जाता है। कोई कोई क्या करता है, किसी इसी होल में माप लेगा, इसी होल में डाल डाल करके और तार का डायमीटर माप के खुश हो जाएगा एकदम, और बोलेगा कि हाँ इतना है, तो ये गलत तरीका है, इसमें नहीं मापते। तो इतना चीज समझ में आया ना, वायर गेज का प्रयोग हम लोग सीट की मोटाई या तार का जो डायमीटर चेक करना होता है इसके लिए करते हैं। गेज नंबर पता कर लिया जाता है, जब गेज नंबर पता चल गया तो उसके अनुसार फिर हम लोग उसका साइज कितना है पीछे देख सकते हैं। इसके अलावा और भी ये सब सभी जो गेज आए हैं ना, इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं एक एक करके। तो देखिए ये स्क्रू पिच गेज है, यहाँ पर देखेंगे तो स्टैंडर्ड थ्रेड के अनुसार जो भी थ्रेड होगा उसी के फॉर्म के अनुसार ये पिच गेज बना होता है और हर एक पर साइज लिखा रहता है। साइज मतलब क्या, पिच का साइज लिखा रहता है, थ्रेड का पिच का साइज। अब चेक करना होता है चाहे अंदरूनी थ्रेड हो या बाहरी थ्रेड कटा हो, तो कैसे करते हैं, ये थ्रेड है इसके ऊपर रख करके पत्ती को चेक करते जाएंगे, जो पत्ती इसमें फिट आएगा तो देख लेंगे, और उसी पर जो साइज लिखा हुआ है पिच का साइज उसको बता देंगे हम लोग, तो बताएंगे कि यही पिच है इसकी। इस तरीके से मास प्रोडक्शन में ये सब यूज होते हैं, जहाँ पर लगातार थ्रेड बन रहा है और उसके पिच को चेक करना होता है। तो ये स्क्रू थ्रेड गेज किसके लिए यूज होता है, पिच चेक करने के लिए, पिच चेक करने के लिए। किसी किसी स्क्रू थ्रेड गेज में डेप्थ भी लिखा होता है, तो जो पत्ती फिट है उस पर गहराई भी देख सकते हैं, तो थ्रेड के गहराई को भी बता सकता है, सभी में नहीं रहता है ये। नेक्स्ट होता है रेडियस गेज। रेडियस गेज का क्या काम है, तो जॉब में इस तरीके से अगर रेडियस बना है रेडियस चेक करने के लिए, इसमें भी साइज लिखा रहता है, जैसे ये 3.5 है, ये 4 है, इसी तरीके से अलग अलग इनका साइज का ये पत्ती रहता है किस तरीके के रेडियस को जांचने के लिए। तो रेडियस बाहरी भी हो सकता है ना, जैसे ये जॉब है, ये जॉब में फिटिंग वाले जैसे फिटर को मिलता है जॉब बनाने के लिए, तो ये जॉब में ये बाहरी रेडियस, ये अंदरूनी भी हो सकता है इस तरीके का, ये अंदरूनी भी हो सकता है ऐसा। अगर ये बाहरी रेडियस है और इसका रेडियस कितना दे दे, रेडियस 5 है, ये रेडियस कितना है R6 है, ये अंदरूनी रेडियस R8 है, इन सबको बनाने के बाद हम लोग चेक करते हैं ना, तो बाहरी के लिए क्या लगेगा, ये कनकेव पत्ती है अंदर धंसा हुआ, और अगर अंदरूनी ये रेडियस चेक करना है तो दोनों तरफ ये कन्वेक्स पत्ती होती है, बाहर उभरा हुआ उत्तल उत्तल शेप में और ये अवतल शेप में। ये जो चाकू होता है ना, पॉकेट चाकू, जो हम लोग पॉकेट में रखने वाला चाकू जिसका केज होता है, उसमें हम लोग धार को मोड़ करके रख सकते हैं, ये केज होता है, यूज करने के बाद ये पत्ती को इसमें मोड़ भी सकते हैं, नहीं तो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मान के चलिए R5 चेक करना है रेडियस, इसमें से R5 निकालेंगे और इसको टच करके ऐसे और रेडियस को चेक करते ऐसे देखते हैं, अगर जहां पर उठा हुआ भाग है यानी परफेक्टली मैच नहीं हो रहा है तो फिर फाइलिंग करके क्या करते हैं, इसी को बनाएंगे। अब अंदरूनी में इसी तरीके से R8 की पत्ती निकाल करके इसमें से उत्तल वाले में से चेक करेंगे, तो रेडियस गेज का ये काम होता है, रेडियस चेक करना, या इस तरीके से टर्निंग के दौरान ये जो शोल्डर बनाते हैं इसको फिलेट बोलते हैं हम लोग, या फिलेट रेडियस, तो रेडियस या फिलेट को चेक करने के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक, रेडियस गेज का ये सारा चीज क्लियर है ना। इसके बाद नेक्स्ट होता है ये फिलर गेज।
ये फीलर गेज जो ऑप्शन में था इसका प्रयोग क्या है, सारा इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिए। सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है गेज में, तो एक साथ सबको क्लियर करते चलना है। फिलर गेज जो होता है, इस पर भी साइज लिखा हुआ है, इसका काम होता है दो मेटिंग पार्ट होता है, दो मिलने वाले पार्ट है। जैसे ये देखिए मशीन का ये स्लाइड करने वाला पार्ट है, डॉगटेल फिटिंग है ये, कितना सारा चीज बताए, एक एक फिगर एक एक लाइन पर बहुत सारा इसमें कंसेप्ट होता है। तो ये डॉगटेल है, जो लोग बनाए होंगे समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर ये अगर गैप है तो कितना गैप है ये चेक कर सकते हैं। ये फिलर गेज जो होती है ना, ये स्प्रिंग स्टील का बना होता है, स्प्रिंग स्टील ये बना होगा हाई कार्बन स्टील का। स्प्रिंग स्टील क्यों बनाते हैं, तो ये लचीला होता है, क्योंकि इसका यूज भी इसी तरीके से, जैसे यहाँ देखिए ये मुड़ गया है बेयरिंग के क्लियरेंस जांचने में, तो लचीला होना चाहिए। तो स्प्रिंग स्टील क्या होता है, लचीला होता है। तो मटेरियल भी पूछा जाता है स्प्रिंग स्टील का होता है, और ये ब्लेड का जो लंबाई होता है ना, ब्लेड का लंबाई भी पूछता है, ये फिक्स रहता है, कितना है 100 mm। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है DMRC में, ब्लेड की लंबाई और मटेरियल, दो क्वेश्चन। ब्लेड की लंबाई 100 mm फिक्स है और मटेरियल स्प्रिंग स्टील होता है। गैप यहाँ पर एक एक पत्ती को इसमें डालेंगे, जो पत्ती फिट आई उस पर साइज लिखा हुआ, देख लेंगे कितना गैप है। अगर एक पत्ती से गैप नहीं भर पा रहा है तो एक से अधिक पत्ती साथ में जोड़ करके करेंगे डालेंगे, और दोनों पत्ती का साइज जोड़ करके गैप बना देंगे। अगर किसी के दांत में गैप है ना, तो दांत में भी लगा के चेक कर सकता है, ठीक। अब चेक मत करने लगना जाके घर पे, ठीक। अब यहाँ पे एक एग्जांपल बता रहे थे, यहाँ पर देखिए अगर बियरिंग में क्लियरेंस, मतलब ये इनर रेस है या आउटर रेस है या रोलिंग एलिमेंट है, इसमें कितना गैप है, फिलर गेज को डालकर चेक कर सकते हैं। ये स्पार्क प्लग स्कूटर में या बाइक में जो स्पार्क प्लग होता है, स्पार्क प्लग में भी गैप होता है, इस गैप को चेक करने के लिए कितना गैप है। एक सुटेबल रेंज तक गैप नहीं रहता है तो कितना भी किक मारे या स्टार्टर दबाते रहे, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, क्योंकि इसमें स्पार्किंग ही नहीं होता है, ठीक। तो अगर गैप ज्यादा रहेगा तो स्पार्क नहीं होगा, तो एक सुटेबल रेंज तक गैप रखा जाता है, तो ये चेक करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। पिस्टन रिंग जो होता है ऑटोमोबाइल सिलेंडर में, फोर व्हीलर में या बाइक में भी जो पिस्टन और सिलेंडर होता है, तो सिलेंडर में जो पिस्टन रेसिप्रोकेट करता है उसमें ये पिस्टन रिंग होती है, तीन रिंग लगाया जाता है इसके ऊपर। तो ये पिस्टन रिंग के जो जहाँ पर फिट करते हैं स्लॉट होता है, उसमें ये ढीला है कि क्या है या कितना क्लियरेंस है, इसको जांचने के लिए फिलर गेज का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अभिषेक रंजन बोल रहे हैं, वेरी आशीष रंजन, वेरी गुड क्लास, चलिए थैंक यू आशीष, ठीक। हर दिन क्लास कराइएगा, हर दिन होता है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक। अभी यहाँ पर देखें तो इसका यूज होता है पिच चेक करने के लिए, इसका यूज है गैप चेक करने के लिए, क्लियरेंस चेक करने के लिए, और यहाँ पर ये फिलर रेडियस गेज है, इसका प्रयोग किसके लिए, तो रेडियस चेक करने के लिए या फिलेट चेक करने के लिए। इतना चीज क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप लोग आंसर कीजिए। ये ग्राइंडिंग व्हील का है, घर्षण चक्र अंकन में जो ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन होता है या मार्किंग होता है, उसमें ये लेटर लिखा गया ए 56K5V75 में 56 पूछा है कि ये जो 56 होता है ये क्या होता है, किसको बताता है। इसरो 2016 का है, ऑप्शन है अपघर्षक का प्रकार, टाइप्स ऑफ एब्रेसिव, ग्रेड, स्ट्रक्चर बताएगा, ग्रिड साइज या ग्रेन साइज, इसका आंसर कीजिए सभी लोग फटाफट आंसर कीजिए। आंसर बताइए। ललन डी बोल रहे हैं, और भी लोग, नीतीश कुमार डी बोल रहे हैं, ठीक। और भी जो लोग जुड़े हैं मैसेज कीजिए। डी तो काफी लोगों का डी ही आ रहा है आंसर, यहाँ पर राइट आंसर भी डी ही है, लेकिन एक एक टर्म को यहाँ पर समझेंगे। ग्राइंडिंग व्हील एक छोटा चैप्टर होता है, लेकिन बहुत तोप इसमें पॉइंट है, सब क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। 23 डी, जो लोग भी डी ऑप्शन कर पा रहे हैं सही है उनका, ठीक। अब यहाँ पर एक एक टर्म के बारे में समझे, इसके लिए स्पेशल एक स्लाइड भी है, अभी यहाँ पर बताते हैं। ये जो ए होता है ना, ये एब्रेसिव का टाइप होता है। ग्राइंडिंग व्हील में इस तरीके से ये जो ग्राइंडिंग व्हील होता है, ये ग्राइंडिंग व्हील है, ये जो पहिया होता है इसमें ढेर सारा चीज मिला करके बनाया जाता है। जैसे इसमें एब्रेसिव पार्टिकल होगा, काटने वाले कण होते हैं, फिर बॉन्ड होता है, फिर इसको व्हील की आकृति दे करके पका करके बनाया जाता है। ग्राइंडिंग व्हील ये है, दोनों तरफ व्हील होता है, ये क्रॉप कटिंग के लिए और एक फिनिशिंग के लिए यूज होता है, टूल की ग्राइंडिंग करते हैं इस पर, ठीक। अभी यहाँ पर एक एग्जांपल बताएं कि इस व्हील में क्या क्या मिला होता है, तो पतंग उड़ाए होंगे ना आप लोग, पतंग का जो धागा होता है अगर मांझा देते हैं तो उसमें क्या मिलाते हैं, लेज मिलाते हैं, शीशा का बुरादा मिलाते हैं,
तो जो ले है इसमें बॉन्ड का, तो बॉन्ड यहाँ पर अलग अलग होते हैं। बैटरीफाइड बॉन्ड होता है, सिलिकेट बॉन्ड होता है, सेलक बॉन्ड होता है, रेजुनाइड बॉन्ड होता है, रबर बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है। ये सब बॉन्ड के अलग अलग टाइप हैं। और इसमें जो सीसा है एब्रेसिव पार्टिकल कहलाता है, इसी में एब्रेसिव कण मिले होते हैं, वो भी अलग अलग होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में आएगा इमरी, कोरंडम, फिर ये क्वार्ज वगैरह, ये सब नेचुरल में आ जाते हैं, ठीक, सिलिका बालू के कण। और फिर जो आर्टिफिशियल होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सब आता है। तो उसके बुरादे को महीन महीन करके इसमें डाला जाता है। तो ये जो होता है एब्रेसिव पार्टिकल, ये ए है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड को बताएगा, ये ग्रेन या ग्रिट साइज, इसमें एब्रेसिव पार्टिकल जो है ना वो कितना छोटा है उसका साइज ये बताता है। इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं आगे, ठीक। सर क्वेश्चन की संख्या बताइए, किसमें एग्जाम में क्लियर पूछिए, नीतीश कुमार, क्वेश्चन की संख्या। क्वेश्चन की संख्या मतलब क्या, एग्जाम में यूपीआरबीएनएल में टेक्निकल का पूछ रहे हैं कि ओवरऑल मिला के, फिर उसके अनुसार जवाब देंगे। ये जो होता है ये व्हील का ग्रेड होता है, ये फाइव जो है ये स्ट्रक्चर है, ये भी होता है, ये बॉन्ड का प्रकार है, और ये कंपनी के द्वारा दिया गया नंबर हो सकता है या लेटर हो सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ये है। इसके अलावा एक और ग्राइंडिंग व्हील के स्पेसिफिकेशन को समझना है तो ये चार्ट बहुत ही कारगर साबित होगा, यहाँ से सारा चीज समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे एक एग्जाम्पल है यहाँ पर 51A36, यहाँ तक है ये पूरा एग्जाम्पल, 51A36L5V23। अब एक एक जो चीज है इसमें, ये क्या है, ये जो शुरू वाला जो लेटर होता है या शुरू वाला अक्षर हो सकता है, ये नंबर हो सकता है यहाँ पे, और ये अंत वाला, ये दो चीज है ना, ये कंपनी के काम का होता है, मैनुफैक्चरर सिंबल होता है, जो बनाने वाला है वो अपने तरफ से यहाँ नंबर दे सकता है या लेटर दे सकता है। ये दो को हटा दीजिए, यहाँ पर मेन काम का जो चीज है ना ये है। इसमें ये जो है ये क्या बताता है, ये एब्रेसिव, टाइप्स ऑफ एब्रेसिव, और टाइप्स ऑफ एब्रेसिव ग्राइंडिंग व्हील में जो लाइव में ज्यादा क्वेश्चन करवाइए, इस तरीके से नहीं समझना है। मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग 15-16 तक रोज कर पाएंगे, अब क्वेश्चन के आधार पर निर्भर करता है। सर लगभग 1000 MCQ, काफ़ी समय हम लोग कर लेंगे, ठीक, निश्चिंत रहिए, टेंशन नहीं लेना है। हम लोग हमेशा क्लास करेंगे केवल संडे छोड़ करके, ठीक, संडे छोड़ करके, संडे छुट्टी रहेगा तो हम लोग पहुंच जाएंगे। अभी काफ़ी समय है एग्जाम होने में, बस आप लोग पढ़ते रहिए इसी तरीके से, कंसेप्ट के साथ पढ़ना है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में आया पढ़ा हुआ पूरा एकदम धुआं धुआं हो गया, निकल गया, बन ही नहीं रहा है क्वेश्चन, तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। अगर 100 क्वेश्चन एक ही दिन करा दें तो, ठीक, बारीकी से समझिए चीज़ों को, ठीक। अभी यहाँ पर देखिए, ये जो ए है एब्रेसिव पार्टिकल, एल्युमिनियम ऑक्साइड को बताया जाता है, सी जो होता है, अगर सी रहता है यहाँ पर, सिलिकॉन कार्बाइड, ये जी सी है, तो जी सी से हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड बोलते हैं, ये भी एब्रेसिव है। ये जो 36 है ये क्या बताता है, ग्रेन साइज या ग्रिट साइज, तो यही पूछा था वहाँ पर, 75 जो दिया था यही पूछा था, 75 या 76 दिया था, ये ग्रेन साइज होता है या ग्रिट साइज, ग्रेन ग्रिट साइज क्या होता है, यहाँ पर ग्रेन ग्रिट साइज होता है, जैसे बालू बालू छानते हुए देखें, चलते हुए देखें, जब घर बनता है तो मोटा बालू, पतला बालू, महीन, तो छननी में जो छानते हैं ना, तो ये जो ग्रेन ग्रिट साइज होता है, 1 इंच स्क्वायर एरिए में उस छननी में कितने होल है, उस होल की संख्या को ये बताता है, और इसके आधार पर जो ग्रेन ग्रिट साइज होता है इसको 10 से लेकर के 600 नंबर तक बताया गया है, तो 10 नंबर होगा, यानी मान के चलिए 1 इंच स्क्वायर एरिया में 10 ही होल है, इससे जो छान कर निकलेगा दाना होगा कि निकलेगा, एब्रेसिव पार्टिकल का कण बड़ा निकलेगा। लेकिन अगर इधर देखिए, एक यही छन्नी है जिसमें 80 है, इतना ही 1 इंच स्क्वायर एरिया में 80 होल है, तो छोटा छोटा होल होगा ना, तो यहाँ से जो दाना छान करके निकलेगा वो क्या होगा, महीन होगा। तो इसी तरीके से बांटा गया इसको, कोर्स, मीडियम, फाइन, लाइन नहीं है ये, फाइन और वेरी फाइन। अब कोर्स में कहाँ तक आता है, कोर्स का मतलब होता है बड़ा, दाना जो होगा बड़ा बड़ा होगा, तो कोर्स में होता है क्या, मैसेज कर रहे हैं सर ऐप पे कोर्स में अच्छा से समझाते हैं, चलिए थैंक यू सभी को, ठीक, आशीष रंजन बोल रहे हैं, थैंक यू, पढ़ते रहिए इसी तरीके से, ठीक। अभी यहाँ पर देखेंगे तो ये मीडियम होता है और ये फाइन और वेरी फाइन। मीडियम में कहाँ से कहाँ तक, तो 30 से 60, फाइन में 80 से 100, और वेरी फाइन में क्या होता है, 220 से ये 600 तक, ठीक। तो इससे भी संबंधित क्वेश्चन आता है, जैसे पूछा
यहाँ से कि 80 से लेकर के और 120 रेंज तक दिया है, तो 21 में आएगा, ऑप्शन दिया रहेगा, कोर्स, मीडियम, फाइन या वेरी फाइन, तो 21 में आएगा, फाइन में आएगा। तो ये के साथ सारा क्वेश्चन हम लोग करते चलेंगे, तो ये ग्रिड साइज या ग्रेन साइज का भी समझ में आ गया। ये जो अक्षर होता है, ये एल जो है, ये ग्रेड को बताता है, व्हील के ग्रेड को। ग्रेड को हम लोग ABCD के लेटर से बताते हैं, ए से जेड तक, इसमें ए से एफ तक सॉफ्ट में आता है, जी से भी तक किस में आएगा, मीडियम में, और WXYZ किस में आता है, हार्ड। बॉन्ड क्या बताता है कि व्हील जो है एब्रेसिव पार्टिकल को कितने मजबूती के साथ पकड़ कर रखे रखा है, ज्यादा मजबूती के साथ पकड़ रख करके रखा है तो हार्ड बॉन्ड होगा, जल्दी जल्दी कणों को छोड़ रहा है तो क्या होगा, सॉफ्ट बॉन्ड होगा। ठीक, तो ये बॉन्ड को बताता है। ये फाइव जो होता है, ये स्ट्रक्चर को बताता है, स्ट्रक्चर को जनरली ये 0 से नहीं, 1 से 14 तक बताते हैं, जिसमें 1 से 7 तक ये फाइन स्ट्रक्चर में या डेंस स्ट्रक्चर में आता है, या सॉरी क्लोज स्ट्रक्चर में आता है या डेंस स्ट्रक्चर में, और 8 से 14 तक इसमें आता है, ये ओपन स्ट्रक्चर में आता है। स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, अगर एब्रेसिव पार्टिकल का कण व्हील में एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, और दूसरा अगर कंपेयर करें, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो ये नजदीक नजदीक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज स्ट्रक्चर, और ये दूर दूर है, तो ये क्या बोलते हैं, इसको ओपन स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहाँ पर 1 से 7 तक क्लोज में आएगा या डेंस स्ट्रक्चर। ये जो भी होता है, ये बॉन्ड का टाइप है, जो इसमें हम लोग बॉन्ड यूज करते हैं, एग्जाम्पल के लिए बताए थे, पतंग उड़ा उड़ाए होंगे तो जो ले ही होता है बॉन्ड का काम करता है, तो इसमें ये बॉन्ड ले ही और फेविकॉल और फेविक्विक नहीं होता है, इसमें होता है बेट्रीफाइड बॉन्ड, सिलिकेट बॉन्ड, रबर बॉन्ड, रेजुनाइट बॉन्ड। ठीक, इसी तरीके से मेटालिक बॉन्ड होता है, तो ये अलग अलग, सेलक बॉन्ड होता है, तो ये सब बॉन्ड को बताता है, और ये मैन्युफैक्चरर सिंबल है। तो इसमें मेन जो काम का चीज है, 1 2 3 4 5, ये पांच ही चीज हमारे काम का है। अगर पूरा यहाँ से देखें तो एक तरीके से ग्राइंडिंग व्हील रिवाइज हो गया है, जो लोग पढ़े होंगे ग्राइंडिंग व्हील उनको पता चल रहा होगा, और जो लोग नहीं पढ़े होंगे तो उनको भी समझा दिए, इसी तरीके से समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पर ये जो 75 पूछा था, ये क्या था, सॉरी यहाँ पर 56 पूछा है ना, 75 नहीं, ये 56, ये क्या है, ग्रेन या ग्रिड साइज, इस तरीके से बता सकते हैं ना। यहाँ पर देखिए क्या चीज है, ये काम का चीज है, इसके शुरू वाला नहीं दिया है, कंपनी का जो पहचान मार्क्स होता है वो नहीं दिया है, ये एब्रेसिव है, ये ग्रेन या ग्रिड साइज है, ये बॉन्ड है, सॉरी ये जो ग्रेड है, ये स्ट्रक्चर है, और ये क्या है, बॉन्ड है। ठीक, ऐसे बता सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी क्वेश्चन में इस तरीके से डिटेल डिस्कशन नहीं है, कुछ क्वेश्चन एकदम सिंपल भी निकलेगा, तो जो जहाँ समझाने लायक है वो समझाएंगे ही समझाएंगे। ठीक, चलिए पेशेंस रखिए, थोड़ा बहुत चीज मिलेगा, अभी माथा पे एग्जाम नहीं है, आग लगा हुआ देह में भाग रहे हैं। ठीक, आराम से पढ़िए, बताइए इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी जोड़ है, परमानेंट ज्वाइंट पूछा है, इसरो 2017 का है, बोल्टेड ज्वाइंट, वेल्डेड ज्वाइंट, नॉट ज्वाइंट, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ठीक, बताइए आंसर कीजिए, धीरे धीरे करके हम लोगों का तैयारी अच्छा हो जाएगा, कंसेप्ट मिस नहीं करेगा, पेशेंस रखना है सभी को, टाइम लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, अभी एग्जाम माथा पर नहीं है कि हड़बड़ी है। अभी यहाँ पर अगर देखें, जो लोग ऑप्शन कर रहे हैं इसमें बी, उनका क्या है, करेक्ट है। अब इसको एक एक करके देखते हैं, करेक्ट क्यों है, जो वेल्डिंग होता है या ब्रिजिंग होता है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट ज्वाइंट बोलते हैं। परमानेंट ज्वाइंट या परमानेंट फास्टनर का क्या मतलब होता है, ये ऐसा फास्टनर जिसको अगर हम लोग तोड़ करके अलग करना चाहे तो उसमें फास्टनर और जॉब दोनों खराब हो जाता है। जैसे वेल्डिंग है, कोई जॉब जुड़ा हुआ है तो उसको अगर तोड़ना चाहे तो वेल्डिंग भी, ज्वाइंट भी खराब होगा, हो सकता है जॉब भी खराब हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर ये परमानेंट, टेम्पोररी जो होता है, अस्थायी फास्टनर, उसमें कौन सा आता है, नट बोल्ट। नट बोल्ट के द्वारा दो पार्ट को जोड़ते हैं, तो कभी भी उसको क्या कर सकते हैं, खोल के निकाल सकते हैं, नट बोल्ट, स्क्रू, स्टड, पिन, ये सब जो होता है, पुश फिट, स्लाइड फिट, ये सब किस में आएगा, ये आएगा टेम्पोररी ज्वाइंट में, तो ये बोल्टेड ज्वाइंट किस में आएगा, टेम्पोररी में। ये नॉट जोड़ क्या होता है, नॉट मतलब होता है गांठ बनाना, जैसे तार का रस्सा होता है, या सिंपल सा कॉटन वाला रस्सा होता है, नाइलॉन वाला जो रस्सा होता है, उसमें हम लोग अलग अलग गिरह बनाते हैं ना, गांठ बनाते हैं, तो उसको नॉट बोला जाता है, तो इसका कोई संबंध ही नहीं है यहाँ पे, परमानेंट ज्वाइंट ये है। परमानेंट में ध्यान रखिए, वेल्डेड ज्वाइंट आएगा और फिर ब्रेजिंग आएगा, सेमी परमानेंट में आता है सोल्डरिंग और फिर रिविटिंग। ठीक, और टेम्पोररी में ढेर सारे एग्जाम्पल है, नट बोल्ट है, स्टड है, ठीक, की है, पिन है, ये सब आ जाएंगे, पुश फिट, ये सब आ जाएंगे इसमें। ठीक, इसमें ऐसा समझना है
कि अगर दो पार्ट को अलग कर पा रहे हैं हम लोग आसानी से, और उसमें पार्ट भी नहीं खराब हो रहा है, फास्टनर भी नहीं खराब हो रहा है, तो वो किस में आएगा? अस्थाई फास्टनर में आता है। और जो सेमी परमानेंट फास्टनर होता है उसमें एक ना एक खराब होगा। जैसे रिबेट को निकालना है प्लेट में से या सीट में से, तो रिबेट के हेड को काटना पड़ेगा, तो फास्टनर खराब हो जाता है वहाँ पे। सोल्डरिंग में से सोल्डर को हटाना होगा खींच करके, ज्वाइंट किया हुआ तार को हटाना है तो सोल्डर खराब हो गया, जॉब सेफ रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। नेक्स्ट है पाइप थ्रेड का अंतर्विष्ट कोण क्या होगा। डीएमआरसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पाइप थ्रेड का इंक्लूडेड एंगल, पाइपों के ऊपर जो थ्रेड होती है, 45 डिग्री, 29 डिग्री, 55 डिग्री और 60 डिग्री। मैसेज कीजिए सुपर क्लास, थैंक यू एक्सीलेंट टेक्नो ITI फिटर, थैंक यू। बने रहिए, शेयर करते रहिए सेशन को, रोज रोज इसी तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे, इसका आंसर बताना है। ये सब एक मॉडल क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो बढ़िया से इसको दिमाग में रखना है। ऐसा नहीं कि यही आया और मुंह बना के एग्जाम में बैठ गए, बाद में अफसोस होगा कि सर तो बता रहे थे ऐसा करके, तो बाद में अफसोस करने से कोई फायदा नहीं है। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका, 55 डिग्री। देखिए यहाँ पर जो BSP थ्रेड होता है, ये पाइप के ऊपर जो भी चूड़ी कटी होती है ना, ये BSP होता है, इसका एंगल कितना होता है, 55 डिग्री। और पाइपों के ऊपर जो थ्रेड कटी होती है वो क्या होती है, उसकी बॉडी जो होती है, बॉडी के ऊपर जो थ्रेड काटते हैं हम लोग पाइप के ऊपर, वो टेपर होता है, और सॉकेट भी होता है, उसमें अंदरूनी थ्रेड होता है, तो उसकी बॉडी भी टेपर, जब दोनों को बिठाते हैं ना तो टेपर टेपर सतह मिलता है, तो वेजिंग एक्शन आता है, तो पानी का बहाव हो अगर पाइप के अंदर से या गैस हो पाइप के अंदर से तो लीकेज नहीं होता, तो BSP स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पाइप का। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाइपों के ऊपर कौन सी फॉर्म होती है, तो BSP ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप, 55 डिग्री एंगल। इसके साथ BSW का भी एंगल याद रखना है, BSF ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्ड थ्रेड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, इन तीनों का एंगल क्या होता है, तो यही 55 डिग्री एक साथ याद रखना है, ठीक। इसके अलावा जो मैट्रिक भी थ्रेड होती है इसका एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। एक में थ्रेड का एंगल कितना होता है, ये बार बार पूछा जाता है, 29 डिग्री। लीड स्क्रू पर जो थ्रेड होती है, एक में थ्रेड होती है 29 डिग्री, बटरस थ्रेड का एंगल कितना होगा भाई, तो 45 डिग्री। बीए थ्रेड, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड का एंगल कितना होता है, तो 47.5 डिग्री, 47.5। तो स्क्रू थ्रेड जो चैप्टर है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, थ्रेड एंगल पूछा जाता है और थ्रेड एंगल के साथ यूज भी पूछा जाता है। स्क्वायर थ्रेड का कितना रहेगा, स्क्वायर है तो 90 डिग्री, ठीक। और यूज स्क्वायर थ्रेड जैसे स्क्रू जैक में या बेंच वाइज का जो स्पिंडल होता है वहां पर यूज करते हैं, क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है। कलेट चक खाली स्थान की पकड़ के लिए उपयोग होता है, जो कलेट चक होता है ये चक का टाइप है, जॉब होल्डिंग डिवाइस है, लेथ वेब से पूछा गया क्वेश्चन है, इसरो 2015 का पूछा गया क्वेश्चन है, किसके लिए यूज होता है, तो भारी जॉब के लिए, बड़े व्यास के जॉब के लिए, स्मॉल जॉब के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। आंसर देना है, मैसेज कीजिए यहाँ पे क्या होगा। कलेट चक किसके लिए यूज होता है, सी आंसर कर रहे हैं लोग, जो लोग सी आंसर किए हैं करेक्ट है, छोटे जॉब के लिए, स्मॉल जॉब के लिए कलेट चक यूज होता है। अब इसके बारे में दिखाते हैं ये कलेट चक होता कैसा है, ठीक। तो कलेट चक को समझने के लिए यहाँ पर फिगर है, देखिए यहाँ पर कलेट चक, देखिए ये जो जॉब पकड़ा गया ये कलेट चक, इसको अलग अलग करके देखा जाए तो देखिए ये कलेट चक होल्डर होता है, इसमें एक ये क्या बोल सकते हैं, कॉलर होता है, ओरिजिनल कलेट चक का ये भाग होता है, ये सब होता है, ये अलग अलग साइज के बने होते हैं। इसमें अगर ये देखें ये पीछे की तरफ, तो ये क्या होता है, फटा फटा होता है, ये स्प्लिटेड होता है, दो भागों में बटा होता है, एक एक स्ट्रिप के रूप में फटा हुआ है। अब इसको ये जो होल्डर होता है इसमें डाल देते हैं और इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, टाइट करते हैं, तो टाइट करके साइज को छोटा किया जाता है, और टाइट करने के लिए जो होल है ना इसमें एक सी स्पाइनर या हुक स्पाइनर होता है, इस होल में फंसा करके और इसी के द्वारा क्या करते हैं, टाइट करते हैं, जैसे यहाँ पर टाइट किया जा रहा है, ठीक। ये कलेट चक है, मैक्सिमम साइज जो इसका होता है ये कितना होता है, 40 mm तक के जॉब को पकड़ पाता है, तो छोटे जॉब के लिए यूज होता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो जॉब है ये छोटा जॉब है, मैक्सिमम साइज भी बता दिए, मैक्सिमम साइज अगर कहीं पूछे तो कितना बताएंगे, 40 mm। यहाँ पर देखिए जो स्लॉट है या इस तरीके से होल रहता है ना,
तरीके से होल, इसमें स्पैनर को डाल करके हम लोग क्या करते हैं, टाइट करते हैं, तो छोटे जॉब के लिए यूज होता है, ध्यान रखना है। लेथ में प्रयोग होने वाला ये चक है, ठीक है। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन है नेक्स्ट 27 नंबर का, लेथ बेड किसके द्वारा बनाया जाता है, मटेरियल पूछा गया, लेथ बेड का मटेरियल मैसेज कीजिए ऑप्शन, लेथ बेड का मटेरियल कमेंट कीजिए आंसर, माइल्ड स्टील है, कास्ट आयरन है, टाइटेनियम, एल्युमिनियम, किसका बना होता है, मैसेज कीजिए। लेथ का बेड होता है या जो मशीनों के बेड होते हैं किसके बनाए जाते हैं, बी आंसर कर रहे हैं लोग, और भी कमेंट कीजिए, जो लोग भी जुड़े हैं मैसेज करना है सभी को, कुछ ना कुछ कीजिए तभी ना, अगर गलत होगा तो बताएंगे फिर अच्छे से। यहाँ पर ये जो कास्ट आयरन होता है लेथ के बेड या जो मशीनों के बेड या फ्रेम होते हैं मैक्सिमम किसके बनाए जाते हैं, कास्ट आयरन, ढलवा लोहा का बनाया जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ढलवा लोहा जो होता है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ग्रेनुलर होता है, दानेदार, और कोर्स ग्रेन होते हैं, बड़े बड़े ग्रेन होते हैं, तो जब भार पड़ता है ना तो ये कंप्रेसिव लोड को क्या करता है, आसानी से झेलता है, आराम से झेलता है। ऐसे ये जो कास्ट आयरन होता है कंप्रेसिव लोड में ज़्यादा मजबूत होता है, टेंशन में कमजोर होता है। यहाँ पर अगर मान के लिए कास्ट आयरन का जॉब है कंप्रेसिव टेंशन समझ में नहीं आ रहा होगा, तो देखिए इस तरीके से लोड अगर इस पर लगाया जाए दोनों तरफ से खींचा जाए तो ये टेंसाइल लोड होता है, अगर इसको इस तरीके से कास्ट आयरन का जॉब है इसको इस तरीके से दबाव में दे दोनों तरफ से ऐसे दबाएं तो ये क्या कहलाता है, कंप्रेसिव लोड। तो कास्ट आयरन कंप्रेशन में मजबूत होता है। गुड इवनिंग पप्पू कुमार, ठीक। अगर कास्ट आयरन इस तरीके से कंप्रेशन में ज़्यादा लोड झेलता है, यही कारण होता है कि मशीनों के बेड, सारा मशीन का भार जो कटिंग करते हैं तो टूल का कटिंग फोर्स सब ट्रांसफर होता है बेड पर, तो कास्ट आयरन आसानी से कंप्रेसिव लोड को झेल लेता है, टेंसाइल में ये क्या होता है, कमजोर होता है, ठीक। टेंसाइल लोड अगर कास्ट आयरन के बारे में बताया जाए तो ये 4000 पाउंड LBS बोलते हैं पर स्क्वायर इंच होता है, और ये कंप्रेसिव लोड झेलने की कैपेसिटी बताए तो 16000 पाउंड LBS, पाउंड मतलब LBS, LBS से सूचित करते हैं पर स्क्वायर इंच। तो यही कारण है कि कास्ट आयरन के बेड बनाए जाते हैं, कहीं पाया भी बनाना होगा ना जिस पर ऊपर से कंप्रेसिव लोड आ रहा है तो किसका बनेगा, कास्ट आयरन का। तो राइट आंसर ये। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, कटिंग ब्लो पाइप के टिप में सेंटर होल का क्या कार्य होता है, ये वेल्डिंग से पूछा गया है, इसमें कटिंग ब्लो पाइप या कटिंग टॉर्च जो यूज करते हैं हम लोग उसमें जो सेंटर में होल होता है, एक होल होता है उसका क्या फंक्शन होता है, तो ऑप्शन में दिया है पूर्व तापन के लिए ऑक्सीजन सप्लाई, उसके बाद पूर्व तापन के लिए एसिटिलीन सप्लाई करना, कटिंग के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करना, कटिंग के लिए एसिटिलीन सप्लाई करना, बताइए इसका आंसर, ठीक आंसर बताना है। वेल्डिंग का है, उसमें एक वेल्डिंग टॉर्च होता है और एक होता है कटिंग, दोनों के बारे में चर्चा करेंगे, अभी जो लोग कर पा रहे हैं आंसर दीजिए यहाँ पे, कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं यहाँ पर सी, ठीक, और भी लोग आंसर कीजिए फिर चर्चा करेंगे क्या सही क्या गलत, ठीक, सी सी, और लोग भी सोच करके, काफी लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोग मैसेज कीजिए। देखिए जो लोग यहाँ पर सी मैसेज कर रहे हैं उनका राइट है, ये जो सेंटर होल होता है ना कटिंग के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए ये यूज होता है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए। अब जो लोग देखा ही नहीं तो उसको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि ये किस होल के बारे में बात कर रहा है, ब्लैक होल है क्या, ब्लैक होल नहीं है, ठीक। देखो यहाँ पर हम लोग चर्चा ही कर लेते हैं, जो वेल्डिंग में यूज होता है एक ब्लो पाइप जो वेल्डिंग के लिए और एक कटिंग के लिए उसमें क्या अंतर होता है, गैस वेल्डिंग के लिए ये जिसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस प्रयोग करते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए ये वेल्डिंग टॉर्च है, यहाँ पर ये जो नोजल है ना वेल्डिंग टॉर्च वाले नोजल में एक ही होल होता है, और ये कटिंग टॉर्च, क्वेश्चन कटिंग टॉर्च वाले से पूछा था इस पर भी आएंगे, यहाँ पर ये जो वेल्डिंग टॉर्च का नोजल है इसमें कितना होल होता है, ये एक ही होल होता है, और इस बॉडी के साथ इसका ये जो नोजल का ये झुकाव देखें एंगल भी पूछा जाता है, तो ये कितना होता है 120 डिग्री पर, ठीक। ऑक्सीजन और एसिटिलीन के लिए यहाँ पे ये हाउसिंग पाइप है, सिलेंडर से जुड़ा रहता है, यहाँ से ऑक्सीजन एसिटिलीन सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, ये कटिंग टॉर्च है,
यहाँ पर कटिंग टॉर्च का ये जो नोजल होता है ना, इसके बॉडी के साथ कितने डिग्री के कोण पर होता है? तो 90 डिग्री। इसमें एक ही होल होता है और ये कटिंग वाले में कितना होल होता है? 7 होल होता है। इस तरीके से देखिए, ये परिधि पर 6 होल, 2, 2 4, 2 6 और एक बीच में एक होल होता है, बड़ा होल। ये बीच वाले होल का ही काम पूछा है, यही होल है, ब्लैक होल नहीं है कि घुसना है उसी में, ठीक। इसी का काम पूछा है कि क्या किस लिए यूज होता है ये 7 होल होता है। तो ये सेंटर वाले होल का, यहाँ पर भी ये सेंटर वाला होल है, ये कटिंग टॉर्च वाले के लिए। यहाँ पर ये जो होता है ना, इसमें देखेंगे तो ये 3 पाइप होता है, एक ऑक्सीजन ब्लास्ट लेवर होता है। अगर देखे होंगे स्टील को काटते हुए कटिंग टॉर्च के द्वारा, तो ऐसे वो लोग क्या करता है, शुरू में जॉब को गर्म करेगा थोड़ा, और ये जो ऑक्सीजन ब्लास्ट लेवर होता है, इसको अगर दबाएंगे तो ज्यादा मात्रा में प्रेशर के साथ ऑक्सीजन क्या होता है, बीच वाले होल से निकलता है। तो जब शुरू में ऐसे क्या करेगा, जॉब है तो ऐसे थोड़ा गर्म करेगा कुछ देर, और जब लेवर को दबाएगा ना तो प्रेशर के साथ ऑक्सीजन निकलता है, तो हाई इंटेंसिटी के साथ इसको क्या करते जाता है, काटते हुए निकल जाएगा, फिर बढ़ाना चालू करेगा, पूरा जॉब को क्या कर देता है, काट देता है। ये सेंटर होल होता है, ये ऑक्सीजन सप्लाई के लिए होता है। एक दो पाइप है ये, तो एक में एसिटिलीन और ये दो पाइप है ना, इसमें एक से एसिटिलीन, एक से ऑक्सीजन आएगा कम मात्रा में, शुरू में जलाने के लिए जब फ्लेम बनाते हैं तो प्री हीटिंग के लिए, और जब लेबर को दबाते हैं तो यहाँ से बीच वाले पाइप से एक्स्ट्रा ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई होता है, और वही कटिंग के लिए क्या करता है, प्रेशर बनाता है, जिसके कारण हम लोग कटिंग कर पाते हैं। तो इसी होल के बारे में पूछा था, तो इसी होल के बारे में पूछा है तो क्या आंसर होगा, कटिंग के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये गैस वेल्डिंग नोजल किसके बने होते हैं? अभी जो गैस वेल्डिंग नोजल देखे थे वो किसका बना होता है? मेटल पूछा है, एल्यूमिनियम, इस्पात, तांबा, पीतल, बताइए आंसर, बताइए किसका बना रहेगा ये। वेल्डिंग नोजल होते हैं एल्यूमिनियम का, इस्पात का, तांबा का या पीतल का, किसका बना होगा, मैसेज कीजिए। कुछ लोग सी मैसेज कर रहे हैं, कुछ लोग डी मैसेज कर रहे हैं, और लोग भी मैसेज कीजिए, फिर बताते हैं एक एक करके, ठीक। यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो लोग सी ऑप्शन की है, ये राइट आंसर है, कॉपर का बना हुआ होता है ये जो नोजल, दो चीज बताते हैं, और जो पाइप होती है उसका भी धातु बताते हैं। ये तो इसी से संबंधित है ना, कम से कम वहां नहीं पता चलता, यहाँ देख के बता सकते थे, ये कॉपर जो नोजल होता है कॉपर का बना होता है, चाहे इसका हो या इसका हो, कटिंग वाला हो या वेल्डिंग वाला हो, क्योंकि ये जल्दी हीट को ग्रहण करता है इसीलिए, ठीक है, गर्म होता है नोजल जल्दी। अभी यहाँ पर नेक्स्ट जो होता है, इसमें जो पाइप होती है, ये सब पाइप है ना, ये दोनों पाइप है, ये सब पाइप है, ये पाइप किसके बने होते हैं? तो पाइप ब्रास का बना होता है। तो दो चीज है यहाँ पे, अगर नोजल के बारे में बात करें तो नोजल कॉपर का होगा, अगर पाइप के बारे में बात करें, ब्लू पाइप जो है वो किसका बना होता है? तो ये पीतल का बना होता है, ब्रास का। तो ये नोजल का धातु है, नोजल, और ये किसका धातु है? ब्लो पाइप, ब्लो पाइप का मेटल है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन है, वेधन, छिद्र वर्धन या टाइपिंग प्रचालन के लिए प्रचालन में औजार को पकड़ने तथा मार्गदर्शन के लिए प्रयोग की जाने वाली युक्ति, डिवाइस कौन सा है? डिवाइस यूज फॉर होल्डिंग एंड गाइडिंग द टूल, जॉब को होल्ड करना, टूल को गाइड करना, इसके लिए भाई, तो ड्रिलिंग करने समय, रिमिंग करते समय या टाइपिंग करते समय। ये सुरो 2018 का क्वेश्चन है, क्या यूज होता है, जिग यूज होगा कि फिक्सर यूज होगा या टेम्पलेट या नन ऑफ दी अबव, ठीक, आंसर कीजिए इसमें। काफी लोग मैसेज भी कर रहे हैं, ए और लोग भी मैसेज कीजिए क्या होगा, फिर चर्चा करेंगे इस पर, ठीक, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिग और फिक्सर से संबंधित क्वेश्चन है ये, इसमें आंसर बताना है। जो लोग भी आंसर एक कर रहे हैं, करेक्ट है उनका, जिग, दोनों के बारे में समझ लेते हैं, जिग क्या है और फिक्सचर क्या है, काफी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। नमस्कार, बलराम पति बोल रहे हैं। चलिए यहाँ पर जिग के बारे में और फिक्सचर के बारे में यहाँ समझ लेते हैं। जनरली जिग जो होता है, जिग का क्या काम रहता है, टूल को गाइड करना, जॉब को होल्ड करना और लोकेशन देना, कहाँ पर उसको स्थापित करना है उसके लोकेशन को बताना। बहुत दिन के बाद दिखा सर, बलराम पति आप बहुत दिन के बाद दिख रहे हैं,
इजी वे चैनल पर पहले से जुड़े होते या देखते तो मैक्सिमम वीडियो वहाँ पर है सारे, ठीक, तो वहाँ से देख सकते हैं, आप ही थोड़ा लेट है, ठीक। चलिए कोई बात नहीं है, रेगुलर इसी तरीके से जुड़ते रहना है। अगर यहाँ पर जिग के बारे में बात करेंगे तो ये देखेंगे यहाँ पर ये पूरा जो भाग होता है ना, ये जिग का पार्ट होता है, ये जो पूरा पार्ट है ये सब जिग का पार्ट है और ये फिक्सचर है। तो पहले जिग के बारे में बात कर लेते हैं। ये जिग होता है, ये किसके लिए यूज होता है, तो ड्रिलिंग करने के लिए, ड्रिलिंग से संबंधित जो ऑपरेशन होते हैं, ड्रिलिंग रिलेटेड जो ऑपरेशन होते हैं, ड्रिलिंग रिलेटेड ऑपरेशन मतलब टाइपिंग हो गया, रिमिंग हो गया, बोरिंग हो गया, ठीक। तो इन सब कार्यों के लिए हम लोग करते हैं, कहाँ पर, मास प्रोडक्शन में, जहाँ पर तेज गति से ज़्यादा मात्रा में जॉब बनाना है और जॉब का साइज फिक्स रहता है, तो वहाँ पर हम लोग ये जिग का प्रयोग करते हैं या फिक्सर का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर ये पूरा जिग का भाग है, तो जिग का भाग है तो यहाँ पर देखिए जॉब को इसके अंदर में इस तरीके से हम लोग रख सकते हैं, ये जॉब है या वर्क बोल सकते हैं। ये जॉब कहाँ रहेगा उसको लोकेशन देने के लिए साइड साइड में लोकेटिंग पिन लगी होती है, लोकेटिंग पिन लगी होती है, ठीक। मास प्रोडक्शन में मान के चलिए इस तरीके का एक जॉब है, इस तरीके का जॉब है, इसके सेंटर में होल करना है, तो सेंटर में होल करना है तो क्या करेंगे, स्क्राइबर लेंगे, स्टील रूल लेंगे, माप माप करके ये सेंटर में ऐसे मार्किंग करेंगे कि यहाँ होल करना है। मास प्रोडक्शन में ऐसा करेंगे तो सदियों लग जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, प्रोडक्शन घट जाएगा कंपनी का, तो फिर पीस बनेगा ही नहीं। मास प्रोडक्शन का फंडा यही है कि कम समय में ज़्यादा प्रोडक्ट बनना चाहिए और जल्दी जल्दी। तो वहाँ पर क्या करते हैं, जॉब का साइज फिक्स रहता है तो उसके अनुसार जिग का ही डिजाइन कर लेते हैं। अब इसमें कोई सा भी जॉब जो बना रहे हैं हम लोग ले करके रखेंगे ना तो ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाएगा, सेंटर में आएगा तो कुछ नहीं करना है, ऊपर से ड्रिल को फिट दे करके और ड्रिलिंग कर देना है। तो इसीलिए यूज होता है ये जिग। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये मार्किंग करने की तो आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, कैसे, तो ये साइड साइड में जो गाइड पिन है ना यही सहारा देता है कि जॉब को रखेंगे तो यही साइड साइड में क्या करेगा, टच करेगा। ये राउंड पिन होती है जिसको हम लोग डबल पिन भी बोल सकते हैं, तो डबल पिन का काम भी पूछता है। तो डबल पिन का पहला काम होता है लोकेशन पर्पस के लिए जो कि जिग में यूज करते हैं, दूसरा काम होता है ये हिडन फास्टनिंग के लिए। तो हिडन फास्टनिंग वो जहाँ पर पिन ये दिखता ही नहीं है, जैसे लकड़ी का दो ब्लॉक है इस तरीके से, देखिए ये और ये दोनों जोड़ना है। बड़ा ही लोगों को देखे होंगे लकड़ी के जब खिड़की वगैरह बनाते हैं, फ्रेम वगैरह बनाते हैं, तो पहले यहाँ यूज क्या करते हैं, इसमें होल करेंगे, इसमें होल करेंगे, दो अगर अलग अलग है तो पहले इसमें होल करेंगे, एक होल यहाँ, और गोल पिन एक इसमें डाल देंगे और इसमें डाल देंगे, अंदर यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर डाल देंगे, और नीचे वाला में होल करके ठोक दिया जाता है पूरा, तो ये पिन दिखती नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिडन फास्टनिंग। और वहाँ पर जो पिन होता है ये डबल पिन ही होता है, गोल पिन को डबल पिन बोलते हैं। अब यहाँ पर ये जो पिन लगी होती है या ये लोकेटिंग पिन है, ये अभी समझ में नहीं आ रहा होगा तो कैसे समझे, जैसे मान के चलिए गाँव में मशीन को देखे हुए स्थापित करते हुए, मशीन का जो बेस प्लेट होता है वो इधर उधर ना खींच के रख करके, और बांस का जो खुट्टी होता है वो चारों तरफ से क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। तो सेम यही चीज है, इस तरीके से पिन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है पिन। अब जॉब को इसमें डालेंगे तो ऑटोमेटिक आ करके ये क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, इधर उधर भागेगा नहीं, चारों तरफ से पिन क्या कर रहा है, सहारा कर रहा है, सहारा दे रहा है, इसीलिए ये लोकेट कर रहा है। तो पहला काम जिग का हो गया लोकेट करना, जॉब यहाँ पर रखा गया ऑटोमेटिक सेंटर में आ गया, लोकेशन मिल गया कहाँ पर होल करना है। ये जिग का ये आर्म होता है, ये आर्म वाले भाग में ये बुश डाल सकते हैं हम लोग, ये जिग बुश बोला जाता है, ये सब बुश ही है, अलग अलग साइज के होते हैं। ये बुश का काम होता है टूल को, जो ड्रिल है यहाँ पर इसको क्या करना, गाइड करना, या टाइप होगा तो टाइप को गाइड करना, रिमर होगा तो रिमर को क्या करेगा, गाइड करेगा। अब यहाँ पर ये जो बुश है ना, इस बुश को यहाँ पर डाल करके ये हार्ड स्टील का, हाई कार्बन स्टील का बना होता है, हार्ड एवं टेम्पर्ड होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिग में कौन सा भाग होता है जो हार्ड एवं टेम्पर्ड होता है, तो बुश हाई कार्बन स्टील का या हार्ड स्टील का बना होता है। अब यहाँ पर बुश के द्वारा ये ड्रिल में हम लोग फिट देते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये टूल को गाइड कर रहा है ना और ये लोकेशन दे रहा है, तो ये सेंटर में आकर के होल कर सकते हैं हम। तो गाइड करना, लोकेट करना और जॉब को पकड़ना, ये जॉब को भी अपने स्थान पर पकड़ के रखा है, ये किसका काम होता है, जिग का काम होता है। जबकि फिक्सचर होता है ना, फिक्सचर में बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जॉब को पकड़ने वाले औजार, जैसे हम लोग बेंच वाइस, मशीन वाइस, जो लेथ मशीन में चक होता है, 3 जा चक, 4 जा चक, ये सब फिक्सचर के टाइप। अगर यहाँ पर ये फिक्सर के बारे में एग्जांपल बताएं, जैसे ये मिलिंग मशीन का टेबल है,
मिलिंग मशीन या किसी भी मशीन के टेबल पर जाएंगे तो क्या होता है, टी स्लॉट कटा होता है। क्यों? क्योंकि टी हेड बोल्ट को डाल करके और फिर चाहे तो मशीन भाई इसको क्लैंप करे या जॉब को क्लैंप करता है, ये मशीन भाई से। अब यहाँ पर देखिए मिलिंग मशीन पर ये टेबल है, टेबल को टेबल के ऊपर हम लोग मशीन भाई इसको फिक्स कर देते हैं। यहाँ पर भी ये जो गाइड पिन है ना, इन सब या लोकेटिंग पिन होती है, इनका काम क्या है, जॉब रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाएगा। ये अगर मशीन भाई से तो ये जबड़ा समझ सकते हैं, ये जॉब को इसके बीच में क्या करके रखा है, पकड़ के रखा है। तो फिक्सर का काम होता है जॉब को पकड़ना और लोकेट करना, ये स्थान निर्धारित करेगा, लोकेशन देगा कि कहाँ रखना है, जबकि ये टूल को गाइड नहीं करता है। यहाँ पर ड्रिल को ये गाइड भी कर रहा था, अलग अलग बड़े छोटे के लिए ड्रिल के लिए बूस भी चेंज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर गाइड नहीं करता है। ये वर्टिकल मिलिंग मशीन पर ये मिलिंग कटर है, इसके द्वारा सतह को क्या कर सकते हैं, काट के फिनिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर टूल को गाइड नहीं कर रहे हैं, तो एक काम इसका नहीं होता है, जो गाइड करने वाला काम होता है वो फिक्सर का नहीं होता है। तो अभी जब भी क्वेश्चन पूछे ना, तो ये खून में घुसा होना चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए। गाइड करने के लिए भी इसमें पूछा है, लोकेशन के लिए भी, पकड़ने के लिए भी। तो जिग केवल पकड़ने और लोकेट करने के लिए पूछता तो क्या बोलते, फिक्सर बोलते। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। UPRVNL के ये पूछा हुआ लेटेस्ट एग्जाम में, जब अभी हुआ है 21 में, उसका ये क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन UPRVNL का कराएंगे, तो जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसी का क्वेश्चन आ गया था, एकदम ध्यान से समझना है इसको, ठीक। निम्न में से किसमें स्तंभ से दूर और परे धुरी का संचालन होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज ए मूवमेंट ऑफ ए स्पिंडल अवे फ्रॉम एंड बियॉन्ड द पिलर। ये ड्रिलिंग मशीन से पूछा गया क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि कौन सा ड्रिलिंग मशीन है जिसमें ड्रिलिंग जो करते हैं हम लोग पिलर से दूर जा करके करते हैं, जो पिलर होता है उससे ज़्यादा अधिक दूरी पर जा करके करते हैं। ऑप्शन दिया है पिलर ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन, सेंसेटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन और फिर गैंग ड्रिलिंग मशीन। राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 31 का, ये UPRVNL का पूछा हुआ है, ताज़ा ताज़ा क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ठीक। सारा UPRVNL का क्वेश्चन कराएंगे, अभी जितना भी इसके आगे हैं ये सब UPRVNL के क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन ये सब खून में घुसा होना चाहिए और कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। ऑप्शन कर पा रहे हैं यहाँ पर लोग बी बी, ठीक। फिर बलरामपति बोल रहे हैं रेडियल ड्रिलिंग मशीन, तो ये जो बी है, जो रेडियल ड्रिलिंग मशीन बता रहे हैं लोग, ये उनका करेक्ट है। अब इसके लिए समझ लेते हैं यहाँ पर एक एक करके, ये जो क्वेश्चन पूछा है इसमें स्तंभ से पिलर से दूर और धुरी एक्सिस जो होता है उससे दूर संचालन होता है और ड्रिलिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो रेडियल ड्रिलिंग मशीन होती है इसके बारे में समझ लेते हैं। ये रेडियल ड्रिलिंग मशीन, इसका देखिए ये पिलर है, ये एक्सिस है और इसमें ये रेडियल आर्म है इसका, ये स्पिंडल हेड होता है, इसमें ड्रिल लगाते हैं, ये टेबल है। एक्सिस देखिए कहाँ पर है, रेडियल आर्म यहाँ है, स्पिंडल हेड यहाँ। तो ये जो धुरी होता है इससे दूर है ना ये, और यहाँ पर स्पिंडल चलता है और हम लोग ड्रिलिंग करते हैं, तो कौन सा ड्रिलिंग मशीन है, रेडियल ड्रिलिंग मशीन। सब में ऐसा होता है क्या, रेडियल आर्म होता ही नहीं। तो राइट आंसर इसके आधार पर तो बता सकते हैं, कुछ और चीज बताते हैं। देखिए ये जो रेडियल ड्रिलिंग मशीन होती है ना, ये बड़ी और भारी मशीन होती है, हेवी होती है, मीडियम से लेकर के लार्ज, मध्यम कैटेगरी के जॉब से लेकर के भारी जॉब तक में ड्रिलिंग इस पर किया जा सकता है। इसके स्पिंडल के ऊपर या इसमें 100 mm डायमीटर तक के ड्रिल से ड्रिलिंग कर सकते हैं, ठीक ठीक। अब यहाँ पर ये जो रेडियल आर्म होता है, रेडियल आर्म की मोशन देखें तो कैसे होता है, जो पिलर होता है ना, पिलर के ऊपर नीचे इसको खिसका सकते हैं रेडियल आर्म को, इसको खिसकाने के लिए अलग से मोटर होता है। रेडियल आर्म को इस एक्सिस के अबाउट 360 डिग्री पर घुमा सकते हैं। अगर ये चीज है इस तरीके से, ये रेडियल आर्म है और इसको अगर 360 डिग्री पर घुमाएंगे तो एक सर्कल बना देगा ना, सर्कल बना देगा और ये रेडियस का काम करेगा। तो ये आर्म ही तो है जो रेडियस का काम कर रहा है, इसीलिए इस ड्रिलिंग मशीन को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडियल ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं, ठीक, रेडियल ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं। अब यहाँ पर इस आर्म के ऊपर ये स्पिंडल हेड होता है जिसमें हम लोग ड्रिल को पकड़ते हैं स्पिंडल नोज में, ठीक। छोटा ड्रिल होगा, यानी जो टेपर सैंक अगर ड्रिल इसमें डायरेक्टली फिट होने वाला होगा तो डायरेक्ट फिट कर सकते हैं, नहीं तो छोटा होगा तो स्लीव या सॉकेट का प्रयोग करते हैं, नहीं तो चक में भी स्ट्रेट सैंक ड्रिल को पकड़ सकते हैं। पूरा चैप्टर में ये सारा चीज एक एक करके, ज्यादा करेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। यहाँ पर इसके स्पिंडल हेड को रेडियल आर्म के ऊपर इधर आगे पीछे खिसका सकते हैं जॉब के अनुसार सेटिंग करने के लिए, ठीक।
अब रेडियल आर्म को 360 डिग्री पर क्यों घुमाते हैं? तो घुमाते इसीलिए हैं क्योंकि इस पर किसी को बिठा करके और झूला जैसा घुमा के मजा दिला सकते हैं, इसीलिए ना 360 डिग्री पर घुमाते हैं, है? तो इसलिए नहीं घुमाते हैं। इसका जो मेन रीजन होता है, कभी कभी क्या होता है कि वर्क पीस जो बड़ा जॉब होता है उसको टेबल पर लगाना होता है, यहाँ पे टेबल पर फिक्स करना होता है। तो फिक्स करते के दौरान ये रेडियल आर्म माथा पर चढ़ा रहेगा और जॉब रख रहे हैं, बड़ा जॉब है तो दिक्कत करेगा ना, इसलिए इसको क्या कर देते हैं, जाओ उधर साइड में, या अलग अलग जॉब के पोजिशन के अनुसार सेट करते हैं और फिर जॉब पर रख देते हैं यहाँ पे और फिर ड्रिलिंग करते हैं। ये चीज समझ में आया? और ये स्पिंडल को चलाने के लिए अलग से मोटर होता है, इसमें ढेर सारा आरपीएम सेट कर सकते हैं अलग अलग, 100 आरपीएम, 200 आरपीएम, 300, 1000, 2000, 4000, 5000, अलग अलग स्पीड मिलेगा, ऑटोमेटिक फीड दे सकते हैं। कम स्पीड रहेगा तो सबसे अच्छी फायदा यहाँ पर ये होती है कि इसमें टाइप को भी पकड़ करके और टाइपिंग कर सकते हैं, क्योंकि टाइपिंग के दौरान स्पीड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। हंस रहे हैं लोग, ठीक। चलिए, यहाँ पर ये जो इसका टेबल होता है ना, टेबल को एडजस्ट भी कर सकते हैं हम लोग। कैसे? तो यहाँ पर ये टेबल जो होता है इस तरीके से, इसमें नट बोल्ट लगा रहता है, तो टेबल को यहाँ से खोल करके और इसको जितना चाहे एंगल पर झुका सकते हैं। तो ये ऐसा एंगल पर झुकाने से क्या होगा, झुकाने से यही होगा कि इधर कोई बैठेगा और इधर क्या कर सकता है, स्लिप कर सकता है, मजा ले सकता है, जैसे पार्क में होता है ना, इस पर बच्चा लोग चढ़ के और फिसलता है, तो यहाँ पर चढ़ के फिसल जाएगा ऐसे तिरछा करके। इसके लिए नहीं होता है, जॉब इसमें जो पकड़ा गया होगा ये भी क्या हो सकता है, तिरछा सेट कर सकते हैं, और तिरछा सेट करेंगे और ड्रिल अपने स्थान पर रहे तो टेपर होल भी कर सकते हैं, ठीक। तो इसलिए इसका प्रयोग होता है। अभी UPRBNL का एक ही क्वेश्चन इसमें अभी किए हैं, इसके आगे जितना भी क्वेश्चन आएगा ना ये सब UPRBNL का है, ये भी क्वेश्चन UPRBNL का है। तो कल हम लोग यहाँ से करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 से, आगे का जो भी क्वेश्चन आएगा ना UPRBNL के लिए ही कराएंगे। तो सतर्क रहना है सभी को, लाइव सेशन के साथ रोज जुड़ना है, तैयारी को अच्छे लेवल पर ले जाना है, और समय काफी है अभी, एग्जाम के लिए चिंतित मत होइए, जैसे पढ़ा रहे हैं उसके अनुसार पढ़ते चलिए, ठीक। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना है पूछ सकता है, नहीं तो क्लास एंड करेंगे, समय काफी हो चुका है, ठीक। कल मिलेंगे इसी टाइम पर, जिन लोगों को समय पता नहीं है या जो लोग लेट जुड़े हैं, ध्यान रखिए रोज हम लोग प्रतिदिन केवल संडे छोड़ करके 6 बजे से 6 PM शाम में 6 से 7 बजे तक हम लोग ये क्लास कंटिन्यू करेंगे रोज, संडे छोड़ करके, संडे छुट्टी, ठीक। PDF मिल सकती है सर, SDSC का क्वेश्चन डिस्कस कीजिए, PDF के बारे में अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर जरूरत लगे तो आगे प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक। SDSC बलरामपति, ये सारे कंबाइंड क्वेश्चन है, ठीक। इससे पहले जा करके देखिएगा, आज हम लोगों का ये तीसरा दिन है, ये UPRBNL सीरीज जो है UPRBNL एक्सप्रेस है जो पटना से लखनऊ जाती है 6 बजे से, कहाँ से, तो 6 बजे से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से, ठीक। ये तीसरी दिन है आज, ये तीसरा दिन है, पहला दूसरा तीसरा दिन, तो उसमें जाके देखिएगा, बलरामपति आप ही को बता रहे हैं, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन इसरो के किए हैं हम लोग, तो स्पेशली इसरो या DMRC या जो भी क्वेश्चन करा रहा है ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं, टेक्निकल में ऐसा गिन चुन करके नहीं होता है, सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट है। तो जो भी लोग यहाँ पर UPRBNL के अलावा भी यहाँ पर जुड़ पा रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली UPRBNL है, उसी को ध्यान में रख करके पढ़ाएंगे, ठीक। प्रैक्टिस सेट मिल सकता है, प्रैक्टिस सेट के लिए यहाँ पर नहीं मिलेगा, आप पूरा डिटेल्स अगर पढ़ना चाहते हैं तो फिर EGWay का कोर्स, ये एप्लीकेशन है EGWay, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से देख सकते हैं, मास्टर कोर्स है, उसमें पूरा एक साथ मिल जाएगा, ढेर सारे प्रैक्टिस सेट है उसमें चैप्टर वाइज, और फिर मॉक टेस्ट भी है, तो 6000 तक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं उसमें, ठीक। अभी अभी जो गया है SDSC, बलरामपति आप क्या बोल रहे हैं, अभी अभी गया है सर, उसका बात कर रहा हूँ, आप कॉलिंग नंबर पर, ये फिटर जॉब एजुकेशन, आप कॉलिंग नंबर पर पता कर लीजिएगा, आपको नंबर बता देते हैं, ये कॉलिंग नंबर है, इस पर आप पता कर लीजिएगा पूरा डिटेल्स, ठीक, इस पर आप पता कर लीजिएगा पूरा डिटेल्स, ठीक, वहां से सारा चीज जानकारी मिल जाएगा आपको, उसके अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक।
इसरो एसडीएससी का 2022 वाला बलरामपति, इसी को ध्यान में रख करके पढ़िए। आगे और भी इसरो के क्वेश्चन आएंगे, वो सब इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग, तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए अभी फिलहाल, ठीक है। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हमारे तरफ से इंफॉर्मेशन है। अगर जो लोग जुड़ना चाहते हैं ऑफलाइन क्लास से, ये पटना सेंटर पर, तो 8 अगस्त से नया बैच आ रहा है सभी ट्रेड का, फिटर टर्नर मशीनिस्ट, फिर आपका ये इलेक्ट्रिशियन का, मैथ का भी आएगा, रीजनिंग का भी आएगा, तो 8 अगस्त से जुड़ सकते हैं। नहीं तो ईजीवे एप्लीकेशन पर लाइव क्लास चल रहा है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। जो यूपीआरबीएनएल के लिए है, वो लोग मास्टर कोर्स बेहतर सलाह है, वो ले सकते हैं, सारा सिलेबस का लेक्चर मिल जाएगा। अगर 2 महीना या 1.5 महीना में भी यूपीआरबीएनएल एग्जाम करा रहा है ना, तो आराम से वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। तो उसमें लेक्चर मिल जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट है, फिर प्रीवियस ईयर का पेपर सोल्यूशन है, फिर मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट में 60 मॉक टेस्ट है, तो एक एक में 50 50 क्वेश्चन है, तो टोटल 3000 मॉक टेस्ट का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक। तो टोटल ये चैप्टर वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये सब प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन मिला करके ये सारे लगभग 6000 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो वहाँ से कर सकते हैं, ठीक। तो रोज़ साथ में जुड़िएगा, 6 बजे से प्रत्येक दिन आएंगे, और जो लोग आपके दोस्त है जो इधर उधर भटक रहा है, उसको भी साथ में लेके आइए और जोड़िए, उसका भी भला हो जाएगा यहाँ, ठीक। चलिए, तो एंड करते हैं क्लास को, फिर कल इसी टाइम पे मिलेंगे। सभी को बाय।